हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम निकल चुके हैं अपने घर के तरफ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ, इनका प्लान था लद्दाख जाने का, लेकिन दो मेजर सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने खड़े हो गए जिसकी वजह से हम आगे और नहीं जा पाए। एंड ठीक भी है, चलेगा, अगले बार के लिए कुछ तो बचा के रखा है हम लोगों ने। दो मेजर सर्कमस्टेंसेस ये हुए, एक तो नीता की तबीयत खराब, वो एक प्रॉब्लम। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो हुआ, जो कि और बड़ा प्रॉब्लम था, कि एक्सट्रीम स्नोफॉल हो गया हायर ऑल्टीट्यूड्स में, जिससे कि रास्ते सारे हो गए बंद। हालांकि हम लोगों ने देखा था वेदर फोरकास्ट, फिर भी इतना स्नोफॉल फोरकास्ट में नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, जहां तक हम पहुंच पाए। एक्चुअली जिस दिन हम बारालाचा गए, उस दिन हमारा साथ जो प्रॉब्लम हुआ कि हम पहले शिंकुला की तरफ गए, आधे रास्ते से वापस आए। अगर हम शिंकुला नहीं जाते तो हम बारालाचा से आगे सरचू तक जा सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो होना था वो हुआ। अब नेक्स्ट जो ट्रिप रहेगा कब होगा हमको भी नहीं पता, नॉट एनी वेयर सून, दैट इज फॉर श्योर। तो कोई बात नहीं, अभी हम रिटर्न आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। एंड नीता बाजू में बैठी है, शक्ल नहीं दिखाना जा रही है अभी, कुकीज हो रही है पीछे। एंड अभी बज रहे हैं 4:20, हम सागर क्रॉस कर चुके हैं। हम निकले थे सुबह को 7 बजे दक्ष के घर से, फरीदाबाद से, एंड ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं। हमारा एक दिन का रिकॉर्ड जो है वो है 950 किलोमीटर, जो हम लोगों ने एक दिन में कवर किया है। आज हम उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं तोड़ने का, कि एक दिन में मैक्सिमम कितना ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी जो मैप हम लोगों ने लगाया हुआ है, दैट इज टिल नागपुर, एंड अगर नागपुर हम क्रॉस कर जाते हैं तो वी विल बी ब्रेकिंग आर ओन रिकॉर्ड, क्योंकि 620 था सागर और करीब करीब अनदर 360 था सागर टू नागपुर। तो वी विल बी ऑलमोस्ट हिटिंग 1000 किलोमीटर्स इन अ सिंगल स्ट्रेच। लेकिन हम लोग जैसे हमेशा रुकते रुकते आते हैं, किसी होटल में रुकना है, तो वी आर नॉट डूइंग दैट। अगर नींद आई रास्ते में रुक के सो जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू आर ड्राइव। बट देन ये है कि वी आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स इन अ सिंगल स्ट्रेच। एंड मैंने बोला था मिलते हैं नागपुर पे, तो नागपुर में नहीं मिल रहे, हम सीधा हैदराबाद में मिल रहे हैं आपसे। और 22 घंटे 10 मिनट में हम लोग पहुंच गए हैदराबाद। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 1500 चेंज, मतलब ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में मारा। मतलब इनिशियल प्लान ज्यादा बताया था कि सागर में जाएंगे, रुकेंगे, फिर देखा सागर का टाइम बहुत जल्दी पहुंच जा रहे थे हम लोग, मतलब 3:30 बजे सागर हो गया। तो फिर नागपुर देखा था, तो वही 4:20 आई थिंक सो बात हुई थी लास्ट कि पहुंच जाएंगे नागपुर। एंड नागपुर का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा था 10:30, मैंने खींचा तो 9:30 तक पहुंच गया। अब बचा था 550 किलोमीटर, मतलब क्या रात को रुकेंगे यार। अब प्रॉब्लम है कि पेट फ्रेंडली होटल्स खोजो, ये करो, वो सब एक्स्ट्रा हेडेक, कौन करे, दबा दिया। बीच में एक जगह में नींद आई तो 1 घंटा गाड़ी रोका, सो गया, 2-3 बार उतर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किए। तो निसी का फ़ोन आया, 1-1.5 घंटा मैं उसके साथ गप्पे मारते रहा, एंड वैसे करते करते पूरा रास्ता कवर हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो दिस इज नाउ माई लेवल बेस्ट ऑफ व्हाट आई कुड डू, कि 22.5 ऑड आवर्स में 1600 किलोमीटर पकड़ के चलिए 1600 किलोमीटर कवर किया। मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, हाँ, मतलब मैं एडवाइस नहीं करूंगा ये करना, क्योंकि जब घर में वापस आया तो लिटरली मेरे ना हाथ पैर थोड़े देर तक कांप रहे थे। तो एडवाइजेबल नहीं है, अगर आप प्रॉपरली रेस्टेड हो, फिजिकल कंडीशन आपकी ठीक हो, तो आप अगर मन बनाते हो कि डिटरमाइंड हो कि कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट देन हाँ, नॉट एट द रिस्क ऑफ स्पॉइलिंग योर हेल्थ।
क्योंकि आके अभी करीब करीब 12:30-1 बज रहा है, आके मैं सो गया था, तो अभी उठ के फिर से थोड़ा सा काम के लिए बाहर निकला हूँ। तो रिकॉर्ड मेड एंड ब्रोकन, ब्रोकन एंड मेड, तो ये है मेरा पर्सनल बेस्ट 22 hours 1600 kilometers, हो सकता है लोगों ने मेरे से ज्यादा मारे होंगे, बट ये मेरे लिए आई थिंक सो पीक है एंड आई वुड नॉट डू दिस एनी मोर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक, टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट डू दिस एनी मोर, क्योंकि फिजिकली काफी स्ट्रेन हो जाता है एंड मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा किसी को ये सब चीज करने में। अगर आप करना चाहते हो दैट्स योर कॉल एंड वेयर यू आर गोइंग दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो हमको जल्दी पहुंचना था, घर जल्दी आ जाना था, तो वी डिड दिस। चलिए मिलते हैं दिन के बाकी के कार्यक्रम करते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हमारा बन रहा है उत्तपा, रॉबिन उत्तपा। ओए ये क्या है, इसको देखो, प्याज लेके आई है, काम नहीं तेरे को दूसरा। ये देखिए क्या जबरदस्त रंग है, वेरी नाइस। तो आज का प्लान है, संडे छुट्टी है तो प्लान कर रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने उमने जाने के लिए। इधर जाएंगे, एनी आइडियाज? नो आइडियाज। ओ वाओ भाई, उत्तपा इज रेडी। तो इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम डाल देते हैं, थोड़ा सा अनियन, गाजर का क्या, गाजर ग्रेटेड कैरेट, नॉर्मल जो डोसा का बैटर है वही है, तो नो रॉकेट साइंस इन दिस। थोड़ा मोटा करके डाल दीजिए तवे पे और इसको पकने दीजिए, एक साइड से दूसरे साइड में भी घुमा के डाल सकते हैं। वंडरफुल, देखिए क्या मस्त डिलीशियस दिख रहा है। सो टेस्टिंग टाइम ऑफ उत्तपा, ये देखो मस्त बना है, सॉस के साथ नहीं यार, पहले तो डायरेक्ट खा के देखना चाहिए ना, उसके बाद सॉस बाद में। अरे यार प्याज लेके घूम रही है नीता, तो प्याज धर के बोलती यार। सुपर मस्त हुआ रे, जबरदस्त, सॉस के साथ नहीं खाना, ऐसी खाना है, मजा आ रहा है। क्या बात है, बैक टू समरीन्स प्लेस एंड विथ लिट्टी चोखा। हाय तो बोल दो। हाय। तो ये चीज मिलता नहीं है खाने के लिए हैदराबाद में, ये सिर्फ हमारे बिहार वाले गैंग के पास ही मिलेगा, और तो कहीं मिलेगा नहीं। really एक तो सत्तू नहीं मिलता यहाँ पे, सत्तू में टेस्ट नहीं है। अमेज़न से ऑर्डर किया? नहीं, अमेज़न वाला थोड़ा बेटर है वहाँ का, अमेज़न से ऑर्डर करो बेटर है। मैंने तो अमेज़न से ऑर्डर किया था तो वहाँ पे अच्छा लगा। अरे वाह, बहुत साल के बाद, बहुत साल के बाद। तो दिखाओ, अरे मुँह दिखाओ ना, दिखा दो, इतना अच्छा मेकअप किया तो मुँह तो दिखाओ, नहीं दिखाएगी, लिट्टी खा लो पहले तुम। कैसा खाना है नीता को पता नहीं, तोड़ो बस, तोड़ो तोड़ो उसको पहले, तोड़ो मिक्स करो, डालो मिक्स करो, रोटी ज्यादा खाती है वैसे, खाओ